आज महाराजगंज के राजेंद्र चौक में अनुमंडल से जिला बनाने के लेकर के मांग को लेकर के पूरा महाराजगंज का क्षेत्र पूर्ण रूपेण बंद करने के लिए मांग को रखते हुए बंद रखा गया। आज क्या पैसी परिस्थिति आ गया कि रोड जाम किया जा रहा है, आज जमी करके राजनाथ चौक पर जाम किया गया है। आज महाराजगंज जिला बनाने के लिए सारी जनता उमर पड़ी है, सारी दुकानें बंद है, सारे महाराजगंज के लोग सड़क पर उतर गए हैं। सरकार से अपनी मांग करते हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय की स्थापना किया जाए, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा या स्थिति और भयावह होगी। एक महीना 20 दिन के अंदर अंदर बिहार सरकार महाराजगंज में व्यवहार न्यायालय की स्थापना कर दे, थोड़ा बहुत शांति मिलेगी महाराजगंज के लोगों को। जो जिला की मांग है उसमें थोड़ा सा केवल शांति होगी, लेकिन महाराजगंज जिला के नाम पर ही आज बंदी रखा गया है। आज कुछ दिन पहले आपने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई मंत्रियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने ऐसा क्या आश्वासन दिया जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया? सारे लोगों ने कहा जिला बनेगा, लेकिन आश्वासन घूट पिला करके हम लोग को काम करा दिया जाता है। तो क्या यह सिर्फ महाराज जिला बनाने को लेकर वोट की राजनीति की जा रही है? नहीं, वोट की कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि इसमें देखकर सारी जनता लड़ रही है, और जब कोई भी लड़ाई जब जनता लड़ती है तो उसमें कोई नेता नहीं है, और महाराजगंज में कोई नेता नहीं है, नेता विहीन है। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ महाराजगंज अपने कर्म पर रो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है महाराजगंज के लोगों को, कोई नहीं सुनने वाला है। आप सब महाराजगंज आज पूर्ण रूप से पूरा बंदी है, महाराजगंज जिला बनाने के संघर्ष में काफी टाइम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं महाराजगंज को जिला बनाने के लिए, लेकिन आज तक किसी भी नेता किसी भी पार्टी यहाँ पे सहयोग नहीं कर पा रही है। अपने वोट के चापलूसी में आकर यहाँ पे फूट करो, राज करो, वही सांसा लागू करके अपना रोटी सेक कर यहाँ से नेता लोग अपने घर चले जाते हैं। वहीं कल महाराजगंज के स्थानीय विधायक विजय शंकर दुबे जी पधारे हुए थे, तो क्या आप लोगों ने उनसे ये मांग को रखी थी? इस मांग को बहुत स्टार्टिंग में ही दुबे जी से जब चुनाव यहाँ पे लड़े थे उसी समय इस मांग को रखा गया था। आज तक उस मांग पे कोई भी कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं किया गया।